माले नेता राजू यादव ने कहा, जगदीशपुर बिजली विभाग की लापरवाही से बर्फाती शाह की हुई मौत, दोषियों पर हो अविलंब कार्रवाई। जगदीशपुर वार्ड नंबर 3 निवासी बर्फाती शाह की मृत्यु बिजली विभाग की लापरवाही से पिछले दिनों हो गई थी। आज भाकपा माले की एक टीम केंद्रीय कमेटी के सदस्य सह आरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राजू यादव के नेतृत्व उनके घर परिजनों से मिला। पूर्व प्रत्याशी राजू यादव ने कहा, घरों तक निर्बाध बिजली पहुंचाने और लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने का दावा करने वाला बिजली विभाग खुद अपने ही कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिजली खंभों पर चढ़ने वाले कर्मियों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। वे हर रोज मौत के खंभे पर चढ़ाई करते हैं। जरा सी चूक बिजली मिस्त्री बर्फाती शाह की जिंदगी पर भारी पड़ गई। बिजली विभाग अपने कर्मचारियों को सेफ्टी किट मुहैया कराई होती तो उनकी जान नहीं जाती। विद्युत अधिकारी जब चाहे टेंडर पास कर बिजली सेफ्टी के सामान खरीद सकते हैं। हम बिजली विभाग से मांग करते हैं कि जिले के तमाम कर्मचारियों को सेफ्टी किट मुहैया कराया जाए, जिसमें तमाम उपकरण उपलब्ध हो। किसी कर्मी को करंट न लगे या खंभों पर चढ़ने के दौरान वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, खंभों से गिरे नहीं और उनकी सुरक्षा बरकरार रहे। इसके लिए एक सेफ्टी किट में सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, चेन, प्लास, ग्लव्स, जूता, यूनिफॉर्म आदि हो। और ये भी मांग करते हैं कि जल्द बिजली विभाग बर्फाती शाह के परिजनों को उचित मुआवजा दे। टीम में भाकपा माले के प्रखंड सचिव कमलेश यादव, उमेंद्र प्रसाद, श्री भगवान राम, आयसा प्रखंड सचिव कमलेश यादव, अध्यक्ष शाहनवाज खान इंसाफ, मंच संयोजक कादिर अली चंदन भारती। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।